जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सत्तम डिफेंस कट यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में देने बताने वाला हूँ उदयपुर आर्मी रेलवे भर्ती 2021 जो आपके आज से स्टार्टअप होने वाली है। इसमें आपको कोरोना रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है वो भी आपको बता दूंगा, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने हैं और इसमें आपको रनिंग में 4 चक्कर कैसे मारने हैं तो अच्छे से आपके रनिंग क्लियर हो जाए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट देख लेना, हर भाई इस वीडियो को शेयर करना, हर दोस्त जो आने वाली इस भर्ती के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने जो भी छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं उनके साथ शेयर करना, हर ग्रुप में शेयर करना, जिससे उदयपुर वाले जो बंदे हैं उनको सही जानकारी मिल सके, जो उदयपुर में भर्ती चल रही है उसके बारे में सही जानकारी प्रोवाइड हो सके, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार एक साल जो बंदा मेहनत कर रहा है कहीं 2-6 महीने 7-7 महीने से या जो एक साल से मेहनत करने वाला बंदा वो अभी एक डॉक्यूमेंट से छट जाए या एक सेकंड में उसकी जो ज़िंदगी ख़राब हो जाए, तो यार मैं ये नहीं चाहता। तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को ज़्यादा से कम शेयर करना, अपने हर भाई के साथ शेयर करना, हर दोस्त के साथ शेयर करना, जिससे ये वीडियो बहुत ज़्यादा अपने हर दोस्त के साथ हेल्प कर सके और मदद कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यार कोरोना रिपोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन बता दूँ, कोरोना रिपोर्ट आपको कैसे बनवानी है। तो आपके जो भी आपका नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो भी आपका नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो भी आपका है वहाँ पर जाइए और आपको वहाँ पर सर को बोलना कि जो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए हमें, तो आप वो फॉर्म देंगे, आपको फॉर्म भर के वहाँ पे डॉक्टर की छाप लगेगी और वो छापने के बाद आपको दे देगा, ठीक है। और इसके साथ में आपको एक सर्टिफिकेट और भी लगाना होगा जो नो रिस्क सर्टिफिकेट होगा, इसमें आपको नो रिस्क सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ओरिजिनल है वही आपको लेके जाना है, नो रिस्क सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी यदि आप ज़्यादा कमेंट करोगे, ज़्यादा दिक्कत आएगी तो आप मेरे कॉल कर देना या जो आप बता देना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और ये मिल नहीं रहे हैं, तो मैं इसके लिए स्पेशली वीडियो बना दूंगा जो अपना कोरोना रिपोर्ट कैसे बनाना है और इसके साथ में कैसी रिपोर्ट बनती है वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप जो नज़दीकी हॉस्पिटल है उस पर जाके चेकआउट कर देना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने हैं, एक चीज़ आपको बता दूँ, 10th की मार्कशीट, 12th की या आपके आंटी पास आउट है वो आपको ले जाना और डन। इसके साथ में इनकी जो फोटोकॉपी करवा देना, लगभग 4 सेट बहुत ज़्यादा होते हैं, 4 या 5 सेट वर्क करवा देना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो मांगा जाएगा तो वो 10-12 तक मांगा जाएगा, लेकिन वो बाद में करवा सकते हो आप, जो भर्ती रैली कैंप होता है उसके बाहर ही जो लगी होती है मशीनें वहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। और इसके बाद में ये जो अपना जाति हो गया, मूल हो गया, इसके साथ अपनी जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना है, जो अभी बनाया हुआ है वही लेके जाना है, और जाति का भी अभी नया बना है वही आपको लेके जाना है, ठीक है, नहीं बनाया है तो बनवा देना, बाकी जिनकी भर्ती थोड़ी डिले हैं तो वो भी ये जो ध्यान रखना कि आपका बना हुआ है तो ले जाना। और इसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन ये भी मांगा जा रहा है, तो जिनके पास में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो वो भी अप्लाई कर देना, और जिनके पास में नहीं है अभी बनाई नहीं है और भर्ती आपके नज़दीक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, है ना, आप 2-3-15 दिन बाद भी जो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जो फिक्स नहीं है कि जो आपको करवाना ही करवाना है वो ले जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप है तो ले जाना। बाकी आपका स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है, स्पोर्ट के बाद में आपको बता दूँ रिलेशन है तो भी आपको वो लेके जाना, उसकी जो प्रॉब्लम जो उससे थोड़ी बहुत छूट मिल जाए, थोड़ा बहुत रिलेशनशिप से जो कुछ जो सिलेक्शन होने में बहुत आसानी हो जाए। इसके साथ आपका होना चाहिए एनसीसी सर्टिफिकेट, यदि आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप वो ले जाना, बाकी अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीसी में ABC जो भी है आपका वो सर्टिफिकेट लेके जाना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहे, है ना। इसके साथ आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट अपना जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो ये नो रिस्क भी, मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी कि नो रिस्क भी हो कंप्लीट हो गया आपका, और बाकी जो ये लगभग छोटे मोटे हैं वो आपको बता दिए। अब जो आपको मेन रहेगा जो फोटो आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी आपका सर्टिफिकेट है तो आप ओरिजिनल लेकर जाना, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल चेक करेंगे गेट पे ही, तो ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटो सहित आपका एडमिट कार्ड दोनों जो गेट पे ही चेक कर दिए जाएंगे, तो आप वो जाना लेके जाना, है ना। कोरोना रिपोर्ट भी है जो लगभग जो कई सेंटरों पे गेट पे चेक की जा रही है, तो वो भी आप कोरोना रिपोर्ट भी साथ ही रखना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हो सकता है आपको वहाँ पे गेट भी चेक कर दें तो ये भी हो सकता है। बाकी जो ये तीन चीज़ें हैं तो आप मेन गेट पे चेक की जाएगी एंट्री पॉइंट, है ना। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से हैं मेन इंपॉर्टेंट जो अपने गेट पे एंट्री भर्ती रैली में जाने के लिए, कोरोना रिपोर्ट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, नो रिस्क सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड जो इसमें आपका नाम डेट ऑफ बर्थ सारी जो इन्फॉर्मेशन सही से हो, और आपका फ़ोटो कंप्लीट होना चाहिए, उसके एडमिट कार्ड भी लगा होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में भी सेम मैच होना चाहिए, है ना। तो जो कई बंदों के जो एडमिट कार्ड में कुछ नाम में दिक्कत है या जो उसकी जन्म तारीख सही नहीं है तो वो अपडेट करवा देना, यदि कोई दिक्कत है जिनकी तो वो अपडेट कर देना। मैंने जो बहुत सी बार है जो आपको पहले ही बता दिया था, 10-15 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसे जो आपको सही जानकारी मिल गई, मैंने उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड कराई थी, है ना। तो बाकी जिन्होंने देख ली होगी लगभग जो सभी ने कंप्लीट करवा दिया होगा, ये चीज़ है। बाकी ये डॉक्यूमेंट में यही चीज़ें हैं, बाकी अदरवाइज कोई आप ज़्यादा कुछ लेके जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट है ना।
बाकी आपको अलग अलग कोच अलग अलग जो बताएंगे, अलग अलग डिफेंस वाले आपको अलग अलग जानकारी बताएंगे, वो ले जाओ वो ले जाओ, मैं आपको सही जानकारी बता रहा हूँ, ये चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है, आप ये ले जाना, बाकी अदरवाइज कोई सर्टिफिकेट मत ले जाना, अपना टाइम वेस्टेज और अपना पैसों की बर्बादी मत करना। और इस भर्ती में आपको जाने से पहले आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस भर्ती में अपने अलग अलग सेंटर से अलग अलग बंदे आएंगे, अलग अलग जगह से अलग अलग बंदे आएंगे, अलग अलग तहसील से अलग अलग बंदे आएंगे, तो कोविड का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। कोरोना पॉजिटिव जो बंदे होते हैं उनके वैसे जो दिक्कतें आती है, लेकिन जो आप ऐसी चीज़ों से मास्क सैनिटाइज़र या जो ऐसी चीज़ों से मतलब अवेयर हो जाना, पहले से ही सावधान हो जाना कि अपनी सेफ्टी खुद रखें, है ना। तो पहले ही आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों से सावधान रखना और डॉक्यूमेंट का विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि यार जो भाई रैली में फेल हो गया बाय चांस, है ना। मैं नहीं चाहता कि यार हर भाई ऐसा कुछ हो, बट मैं यही चाहता हूँ कि आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाओ, सिलेक्ट हो जाओ, फौजी की ड्रेस में वापस आओ, ये चाहता हूँ मैं। बट कई बंदों के हो सकता है यार कई बाय चांस डॉक्यूमेंट रैली में या जो कुछ दिक्कतों में फेल हो गए, या जो अपनी रनिंग कंप्लीट होने के बाद भी जो बंदे फेल हो जाते हैं वहाँ, जो कंप्लीट नहीं कर पाते तो वो बैठ जाते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ों में जो अपना डॉक्यूमेंट कागजात जो भी होते हैं उनको संभाल के रखना, क्योंकि जो अब जो भीड़ जो बंदे जो भागेंगे ना फौजी उनके पीछे भागेंगे, तब जो हो सकता है अपना डॉक्यूमेंट जो बैग कोई दूसरे बंदे लेके भाग गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी डॉक्यूमेंट में, और आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट को विशेष कर सेफ्टी रखना, अपने बैग को और अपने जो दो तीन दोस्त हैं उनके साथ ही रखना जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ये चीज़ है मेन इंपॉर्टेंट। बाकी ये जो देखो और भी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो ये आपके लिए मेन मेन इंपॉर्टेंट है, अब आपको मैं बताता हूँ कि आप इसमें चार चक्कर कैसे काटने हैं, है ना। चार चक्कर आपको काटने के लिए आपको बता दूँ, 1600 मीटर की अपनी रनिंग रहेगा, टाइमिंग वही रहेगा जो आपको 5:40 के समथिंग मिलेगा, लेकिन कोशिश यही करना आप 5:40 नहीं लेके 5:20 का एवरेज लेके चलना, है ना, 5:20 या 30 के समथिंग लेके जाना, क्योंकि आपको लास्ट राउंड में आपको पता नहीं चलेगा कि कितना टाइमिंग है, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 5:20 का एवरेज लेके चलना, क्योंकि हम 5:20 में समथिंग कंप्लीट कर देनी है मुझे, तो इसमें सिलेक्शन के जो चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाएंगे आपका, और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी रनिंग। और एक चीज़ फर्स्ट जो आप राउंड करते हो तब आप एक चीज़ आगे वाले बंदे जो चल रहे हैं, मैं आपको एक शेड्यूल के थ्रू बता देता हूँ छोटी सी जानकारी जो आपको आराम से जो एक सही क्लियर हो उसके। मान लीजिए आपका जो ये राउंडिंग है और 1600 मीटर रनिंग होने वाली है, ये आपका ट्रैक है ना, ये ट्रैक आपका हो गया, आप यहाँ पे बैठे हो और ये पूरा आपका कैटेगरी हो गई, यहाँ पे जब आपने 300 या 200 के समथिंग बंदे बैठे हैं, आपका नंबर बाय चांस यहाँ पीछे आ रखा है, सबसे पीछे, मैं आपको आगे की नहीं बताऊँगा सबसे पीछे की बताऊँगा, पीछे बैठे हैं तो आपको जो क्या करना है, बाय चांस पीछे भी नंबर आए या कहीं भी आगे भी आ गया, तो आपको कोशिश यही रखना है कि जल्दी जल्दी होए सभी को काट के आगे निकलने की कोशिश करना, क्योंकि फर्स्ट बैच जो स्टार्ट होता है ना फर्स्ट राउंड, और फर्स्ट जो चौथे राउंड में से जो फर्स्ट का जो राउंड होता है उसी में बंदे बहुत ज़्यादा 70% बंदे फेंक देती बाहर आर्मी, यही चीज़ होती है, क्योंकि आर्मी में आप सही से रनिंग कर दिया, सही से शेड्यूल समझ दिया तो शायद ये कंप्लीट हो जाएगा, तो यही कोशिश करना, क्योंकि देखो 70% बीच में रहेंगे, बाकी जो 30% एक झटके में बाहर हो जाएंगे। रनिंग बंदे बहुत से ज़्यादा जो कर रहे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे, ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, दौड़ने का सही तरीका नहीं मिल पाता। तो ये आपकी भर्ती है, आपके कितने बजे टाइमिंग आ रहा है, 6 मिनट भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप रेस क्लियर कर सकता है। मैं आपको जो बंदे अभी सेलेक्ट हुए हैं 6-6 मिनट वाले भी बंदे सेलेक्ट हो गए हैं, तो यार आपकी भी जो हौसला रखो, जोश रखो, अंदर बैठा के रखो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जब तक ये चीज़ें जो आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप रेस क्लियर कर ही नहीं सकते, तो अपने अंदर हौसला मजबूत रखो कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ, इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकता हूँ, जोश रखो अंदर कि ठीक है। इसके बाद में पीछे भी नंबर आ गया कोई दिक्कत नहीं, आप ये चीज़ रखना अपने दिमाग में बैठा देना कि आप इन बंदों को जो आगे वाले बंदे हैं या जो जो बैठे हुए बंदे, इनको एक आइडिया होगा कि हम इसके पीछे पीछे इसके भागेंगे तो हमारा टाइमिंग सही रहेगा और हम आराम से 1600 मीटर रनिंग क्लियर कर देंगे। पर आपको ऐसी चीज़ में नहीं पढ़ना है, इन पी के पीछे नहीं भाग के आपको शॉर्टकट में निकलना है, इधर से ओके या जो इधर से ओके, आपको शॉर्टकट इस बटरी को पकड़ना है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए, है ना, ये दिक्कत है, इसको आप पकड़ के चलना जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसको पकड़ के चलोगे तो आपकी जो बहुत अच्छे से आपकी रनिंग क्लियर हो जाएगी और बार बार होके आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका ये ट्रैक है, इस ट्रैक को भी पकड़ के चलना तो अच्छे से आपको कंप्लीट हो जाएगी रनिंग। फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड आपको बहुत अच्छे से जगह मिल जाएगी, जो गैप है वो आपको देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे बंदे खाली हो जाएंगे, लगभग ये पूरी ट्रैक खाली हो जाएगी तो आप आराम से कवर कर सकते हो रनिंग। और लास्ट का जो चौथे राउंड है उसमें अपनी जान पूरी लगा देना, जितनी भी अपने अंदर है जो जोश जून जो अपने एक साल की जो तैयारी है उसको सोच के यहीं डिसाइड हो जाता है, मतलब कि
पाँच मिनट आपके लिए लाइफ चेंजिंग कर सकते हैं मेरे भाई। तो पाँच मिनट में आपकी जो पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, तो पाँच मिनट के लिए आप जो अपनी जान पूरी लगा देना। तो लास्ट का राउंड होता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है, उसी में ज़िंदगी डिसाइड होती है कि जो आप इसमें पास हो या फेल हो, ये चीज़ होता है। तो इसलिए लास्ट राउंड में ही आपका क्लियर हो पाता है। तो ये चीज़ है मेरे दोस्त कि आप एक ही दिमाग में सोच के रखना कि मुझे भर्ती क्लियर करनी है और आगे वाली भर्ती मुझे नहीं देखनी है, इसमें इसी वर्दी में और इसी भर्ती में इसी जो ग्राउंड में जीत के जाना है, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा देना। तो ये जो बहुत अच्छे से कलर जो कवर कर पाएगा तो है ना। तो डरना मत, एक चीज़ बहुत से बंदे जो रनिंग भी जा रहे हैं और भर्ती भी जो रैली ग्राउंड में बैठ गए, रैली ग्राउंड में बैठने के बाद जो डर जाते हैं, बहुत से काँपने लग जाते हैं। तो ये चीज़ है, तो एक दिमाग में बैठा जाना, कोई भी नहीं होता जो फौजी आपको बोलेंगे गाली गलौज करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं, वो आपको डराएंगे धमकाएंगे कोई ऊपर है जो इन चीज़ों से मत डरना, अपने अंदर हौसला मजबूत रखना। जैसे वो बोलते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ऐसे थक के ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन वर्दी भी मिलेगी और लेने का मज़ा भी आएगा। तो ये चीज़ होती है। तो यार देख, अपने अंदर जोश रखेगा, जुनून रखेगा, तब ही 100% ये 100 मीटर की या 400 मीटर का राउंड है लास्ट का, उसको क्लियर कर पाएगा। अपने अंदर जोश बैठा देना, जुनून बैठा देना, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना कि मुझे वर्दी के साथ मम्मी पापा देखे और इतना खुश हो जाएं, ये चीज़ होना। भर्ती से वापस से जो जो लौटता है बंदा, तब माँ एक ही आस करके बैठती है कि यार मेरा बेटा भर्ती होके आएगा, ये उनकी माँ का विश्वास में तोड़ना है ना, ये चीज़ दिमाग में बैठा देना। तो ये कंप्लीट करनी है तुझे रनिंग, 100% करनी है, यही जो घर से निकले तब करके बोलना, ठीक है। आशीर्वाद लो कब जब निकल रहे हो घर से, आज जो आज शाम को भर्ती है आपकी, आज सुबह भर्ती है, तो जब भी आप निकल रहे हो भर्ती ग्राउंड से, तो आप घर से निकलते वक्त ही अपने माँ के पैरों को चूम के आना कि इस भर्ती में ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं आगे की भर्ती ना देखूं। अपने अंदर जोश रखना, जज्बा रखना, 100% मैं गारंटी लेता हूं सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो और एक चीज़ और, तू चल सिलेक्शन हो जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी तुझे, पर बीच में तेरे दलाल आ गए, उनके चक्कर में पड़ गया, तो तेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। तो इन दलों से और आने वाले जो ये ऐसे जो हरामी हैं जो गेट पे लगे रहते हैं, गेट पे बैठे रहते हैं ऐसे दलाल खोरी के पीछे, तो इन चीज़ों से अवेयर हो जाना, क्योंकि बहुत से जो भर्ती ग्राउंड में मिलेंगे आपको, मैं करवा दूंगा भर्ती, ऐसे करवा दूंगा, तो इन दलों से दूर रहना। अपनी फैमिली को कहीं गिराने की या खड्डे में फेंकने की जरूरत मत करना, है ना। तो मैं आपको एक ही सजेशन दे रहा हूँ, इन दलों से दूर रहना, यही मेरे आपकी गाइडनेस है। और इस वीडियो को भाई जितना उसका शेयर करना, क्योंकि आर्मी भर्ती हर भाई के लिए इम्पोर्टेंट है और उदयपुर के लिए स्पेशली, जो बंदे कहीं से बिलोंग कर रहे हैं और ग्राउंड में आपको होने वाली भर्ती जो महाराणा प्रताप स्टेडियम है, जो महाराणा प्रताप है जो खेलगांव स्टेडियम है उसमें भर्ती हो रही है, तो इस वीडियो को हर दोस्त के साथ शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो हर भाई के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर और वीडियो को शेयर कर, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर, जितना आपका जोश मिले, जुनून मिले। और एक बार फिर से इन्फॉर्म कर रहा हूँ यार, चार राउंड तुझे मारना है आज, इस वीडियो को देखने में कसम खा लेना कि मुझे चार राउंड काटने हैं, उसके बाद ही मुझे वापस आना है, है ना। तो मैं आशा करता हूँ यार दोस्त कि तू मुझे 100% इस भर्ती में देगा और जो सिलेक्शन लेके वापस आएगा, भर्ती में 100% लगा देना, अपनी जान लगा देना, जो भी करना है, जो भी जोश है तेरे अंदर निकाल देना, लेकिन लास्ट के राउंड में हारना मत, कुछ भी हो जाए आगे निकलना तुझे, ये चीज़ मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी, डॉक्यूमेंट में आपको सबकी जानकारी बता दी है। बाकी आपको कोई भी डाउट है, जैसे आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको मिस हो गई है, तो आप मेडिसिन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उस वीडियो को कंप्लीट देखना जो आपका आर्मी भर्ती का है, स्पेशली आर्मी भर्ती के बारे में बनाया मैंने डॉक्यूमेंट का, तो वो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेकआउट करो, देख लो आराम से, है ना। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को अपने हर भाई के साथ शेयर करना, जिससे जो हर दोस्त इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके, सही गाइडेंस ले सके। और बाकी आपको लाइव आने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, वो आपको मैं सॉल्व करके आपको वापस कल शाम को लाइव आ जाऊँगा, है ना। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सभी को, है ना। कंटिन्यू करना और जोश रखना, जज्बा रखना, भर्ती सेलेक्ट हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ सभी दोस्तों की, इस भर्ती में सेलेक्ट हो जाओगे तुम, है ना। जोश रखना दोस्त, हारना मत और दलों के पीछे मत पड़ना, ये दल कभी भर्ती नहीं कराएंगे तुम्हें, जोश रखना, खुद के दम पर भर्ती होकर दिखाना मुझे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।